दोस्तों, आज का जो प्लान है थंबनेल पे ऑलरेडी आपने देख लिया है। ये दो भाइयों के लिए प्लान को बनाया गया है। 54 फीट 7 इंच 54 फीट 7 इंच लंबाई है, मतलब चौड़ाई है। लंबाई की बात करें तो 53 फीट 6 इंची में प्लान बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। इस मकान में एक भाई के हिस्से में 3 बेडरूम किचन अटैच वाशरूम यहाँ पे आया है, ठीक है। दूसरे भाई के लिए 3 बेडरूम किचन लेटरिन बाथरूम आया है। असल में क्या है कि इसमें कॉमन टॉयलेट बाथरूम इसलिए नहीं दिए क्योंकि पीछे गैलरी है, पीछे साइड में क्लाइंट के पास स्पेस है, तो जो भी कॉमन टॉयलेट है वो पीछे अपना वो बनाएंगे अपने हिसाब से, ठीक है। अगर आपके पास पीछे स्पेस नहीं है तो यहाँ पे आप इस दरवाजे को क्लोज करके यहाँ पे आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम बन जाएगा दोस्तों। बाकी गेस्ट रूम से अटैच वाशरूम आपका रहेगा। तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, डिटेल आपको बताएंगे। नक्शा बनाना नंबर स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा दोस्तों। अब प्लान की अगर बात करें तो जो भी यहाँ पे कॉलम दिया गया आप देख सकते हैं, सिंगल फ्लोर के लिए 10x10 का या 9x9 का आपका कॉलम दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सिंगल फ्लोर के लिए, तो ये कॉलम अगर आप एक मंजिल बना रहे हैं तो उसके लिए अप्लीकेबल है। अगर आपका डबल फ्लोर है तो उसका कॉलम का साइज आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। और कॉलम की बात करें, कितने नंबर आप कॉलम हैं अभी मैं आपको बता दूंगा। और इस कॉलम में आपको जो सरिया देना है 12 mm का, मतलब 4 सूत का सरिया आपको यूज करना है दोस्तों। बहुत लोग 8 mm का सरिया, 10 mm का सरिया कॉलम में यूज करते हैं, तो ये आपको कदापि नहीं यूज करना, ये टोटली आपका रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। आपका स्ट्रक्चर फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉलम आपको हमेशा मजबूत रखना है क्योंकि कहावत है कि अगर आपका बेस मजबूत रहेगा तभी आप उसके ऊपर प्रॉपर बिल्डिंग रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सारा लोड आपका जो भी आना है कॉलम पे ही आना है, तो कॉलम को आप ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत लोग गलती करते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो आप देख सकते हैं सारे आपके कॉलम्स हैं, थोड़ा कॉलम को हाईलाइट करके आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से आपके कॉलम वगैरह यहाँ पे बनाए गए दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हो फ्रंट में जो कॉलम है आपको बरामदे में, इसका थोड़ा हाइट कम रखा जाएगा, तो मैं यहाँ पे 8 फीट ही हाइट यहाँ पे रख रहा हूँ कॉलम का, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका ये कॉलम्स यहाँ पे हो जाएंगे। अब कितने नंबर आप कॉलम हो गए उसको भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अब नंबर आप कॉलम की अगर बात करें तो देख सकते हैं 3, 6, 7, 7, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 नंबर आप कॉलम्स आपको टोटल ये मिल जाएंगे। इस तरीके से आपके टोटल आपके इस तरीके से कॉलम रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं इसकी बाहर के जो दीवार है, मतलब आउटर वाल है, और अंदर की जो भी दीवार है वो सारी 9-9 इंची की आपकी यहाँ पे बनाई गई दोस्तों। तो बाहर और अंदर की जो भी दीवार है यहाँ पे थोड़ा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। असल में प्लान 2D प्लान जो है क्लाइंट ने खुद अपनी तरफ से दिया था, तो मैं इसका लेआउट मैंने नहीं किया है, लेआउट उन्हीं ने बनाया है और हमको केवल 3D के लिए दिया गया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से बाहर की दीवार 9 इंची और अंदर की जो दीवार है 4.5 इंची आपको मिलेगी। इस प्लान का मैं साइज वगैरह सब कुछ बताऊंगा, तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। और चैनल, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको ये प्लान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो और इस तरीके के वीडियो अगर कोई नक्शा बनवाना है तो कॉन्टैक्ट नंबर शुरुआत में आपका दिया गया है दोस्तों। इस तरीके से आप देख लीजिए, बाहर की दीवार 9 इंची, अंदर की दीवार आपकी 5 इंची आपकी रखी जाएगी। इसका दो रीज़न है, पहला जैसे खिड़की वगैरह आप लगाते हैं तो बाहर की दीवार में क्रैक वगैरह ना डेवलप हो, इसीलिए 10 इंची या 9 इंची की दीवार बाहर की रखी जाती है। और प्लस आपको सेफ्टी भी ज़रूरी है ताकि कोई तोड़ करके मकान में घुसे ना, ये सेफ्टी के तौर पर भी यहाँ पर रखा जाता है। तो ये आपकी पूरी वाल्स इस तरीके से कंप्लीट आपको होके मिल जाएगी। तो चलिए अब इसका प्लिंथ लेवल थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। इसका जो कुर्सी का लेवल है उसको थोड़ा यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ। तो जो कुर्सी का लेवल है मैं यहाँ पे 2.5 फीट रखा हूँ, आप हिसाब से अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी यहाँ पे करा सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप देख लीजिए इसका जो प्लिंथ लेवल है आपको इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। इस तरीके से आपका जो प्लिंथ का लेवल है इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्लिंथ लेवल यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरे मकान आपका रेडी हो जाएगा। अब रहा बात इसका प्लान का, तो यहाँ पे आपका इस जगह पे आपके स्टेप्स हो जाएंगे, सीढ़ियाँ हो जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी सीढ़ियाँ इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये कितनी स्टेप्स हैं, क्या चीज़ कैसे है, क्योंकि ये दो भाई के प्लान है तो आधा हिस्सा आधा बरामदा एक भाई के, आधा हिस्सा एक भाई के, इस तरीके से प्लान को बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके स्टेप्स। भाई कभी डिस्प्यूट होता है, कभी कोई पार्टीशन होता है, तो फ्यूचर में कोई भी दिक्कत आपको ना आए, इस तरीके से यहाँ पे प्लान बनाया गया है। तो ये आपका लंबा सा बरामदा हो गया। एक गेस्ट रूम दिया गया एक भाई के लिए विथ अटैच वाशरूम। तो इस गेस्ट रूम का जो दरवाज़ा है आपका यहाँ पर लग जाएगा इस तरीके से, और इस गेस्ट रूम से आपका अटैच वाशरूम यहाँ पर दिया गया दोस्तों। इस तरीके से आप देख लीजिए इस गेस्ट रूम से आपका अटैच ये वाशरूम आपका दिया गया। इसका दरवाज़ा आपका इस जगह पर, इस पर्टिकुलर एरिया पर आपका रहेगा। इस जगह पे आपका ये अटैच वाशरूम का जो दरवाज़ा है आपका इस तरीके से यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये आपका अटैच वाशरूम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ बीच में
ठीक है, एक गेस्ट रूम और उसका दरवाज़ा आपका इधर रहेगा, ये गेस्ट रूम हो जाएगा और इसका अटैच वाशरूम आपका इधर इस साइड में आपका रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ये अटैच ये गेस्ट रूम हो गया, ठीक है, ये गेस्ट रूम आपका हो जाएगा और इससे अटैच वाशरूम आपका इस जगह पे आपको मिल जाएगा, ये आपका अटैच वाशरूम इस जगह पे आपका रहेगा, ये वाला हिस्सा इस तरीके से रहेगा दोस्तों, इस तरीके से आप देख लीजिए, ये आपका अटैच वाशरूम इस गेस्ट रूम के लिए आपका रहेगा। ठीक है, तो ये एक अटैच वाशरूम एक बेडरूम, उससे अटैच वाशरूम इधर, एक बेडरूम उससे अटैच वाशरूम इस साइड में आपका मिल जाएगा। बीच में दिया गया है, बीचों बीच आपका दिया गया है दरवाजा, दोनों भाइयों के लिए अलग अलग दरवाज़ा अब पहले से ही लगा दिया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका वजह क्या है, मेन वजह क्यों इसको दिया गया है जो आपका अटैच दरवाज़ा है। ठीक है, असल में क्या है कि अब कभी दिक्कत होती थी, यहाँ बीच से आप दीवार कर देंगे, बीचों बीच आप दीवार कर देंगे तो एक हिस्सा इधर इनका डिवाइड होगा, इधर हिस्सा इनका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आगे एंट्री करेंगे, ये आपका पूरा बड़ा सा आंगन एरिया अभी फिलहाल ओपन रहेगा, फ्यूचर में पार्टीशन हो जाएगा। इधर दिया गया सीढ़ी, एक भाई के लिए इधर सीढ़ी किचन, एक भाई के लिए इधर सीढ़ी और किचन इस तरह दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसका मैं साइज़ वगैरह भी सब कुछ बताऊंगा, तो अंत तक देखें वीडियो। तो ये आपका किचन हो गया और ये आपका बेडरूम हो गया। ठीक है, ये आपका किचन हो गया इस तरफ, ठीक है, और ये आपका बेडरूम हो गया और दूसरा जो है ये आपका बेडरूम इधर हो गया आपका इस तरीके से। ये आपका बेडरूम दूसरे का हो गया, एक बेडरूम मतलब दो बेडरूम और किचन सीढ़ी और ये अटैच वाश मतलब आपका गेस्ट रूम। ठीक है, एक भाई के हिस्से में इस तरीके से आपका बनाया गया। बैक साइड में क्लाइंट के पास स्पेस है तो वहाँ पीछे जाने के लिए दरवाजा दिया गया है दोस्तों। असल में इसमें कॉमन टॉयलेट बाथरूम ना देने की वजह यह है कि पीछे भी उनके पास स्पेस है तो पीछे अपना टॉयलेट बाथरूम वो बनाएंगे क्लाइंट अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको आपके पास स्पेस नहीं है तो यहाँ पर आपका इस जगह पर आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, मतलब दोनों कंबाइंड में बना सकते हैं। ठीक है, और ये एक भाई के हिस्से में ये आपका बेडरूम, ठीक है, और किचन इस तरीके से यहाँ पे एक भाई के हिस्से में, दूसरे भाई के हिस्से में यहाँ पे आपका रहेगा इस तरीके से आप देख लीजिए। ये आपका इस तरीके से आपका दूसरे भाई के हिस्से में इस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है, ये दूसरे भाई के हिस्से में इस तरीके से आपका रहेगा और ये बीच में आपका सीढ़ी इस तरीके से। ठीक है, और पीछे जाने के लिए यहाँ पे भी आपको दरवाज़ा इस तरीके से आपको मिल जाएगा, पीछे जाने के लिए यहाँ पे आपको दरवाज़ा ये आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से ये पूरा ये प्लान आपको मिलेगा दोस्तों, और पूरा मकान बनने के बाद आपको ये इस तरीके से दिखेगा, पूरा मकान बनने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। इसमें खिड़की वगैरह आप चारों साइड बड़े आराम से यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए, खिड़की वगैरह बड़े आराम से इसमें आप चारों साइड लगा सकते हैं दोस्तों। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फ्रंट से आप एंट्री करेंगे लंबा सा बरामदा, ये आपका गेस्ट रूम हो जाएगा, इससे अटैच वाशरूम हो जाएगा, इधर भी एक गेस्ट रूम इससे अटैच वाशरूम आपका, बीच से आपका दरवाज़ा दिया गया है, फ्यूचर में कोई पार्टीशन होता है तो एक दीवार खींच देंगे तो इधर आधा हो जाएगा इधर आधा हो जाएगा दोनों भाइयों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये आपका सीढ़ी, सीढ़ी समझ लीजिए ऊंचाई 7 इंची, थ्रेड 10 इंची, चौड़ाई 3 फीट है और ये इस तरीके से सीढ़ी बनाया गया है। यहाँ पे किचन है, ये बेडरूम पहला, ये बेडरूम दूसरा जो अंदर का है, पीछे आपका पैसेज पीछे जाने के लिए। ठीक है, यही सेम प्लान इधर, ये दो बेडरूम हो जाएगा, पैसेज हो जाएगा, किचन हो जाएगा, सीढ़ी वही सेम बनाया गया दोस्तों, पीछे जाने के लिए रास्ता इस तरीके से रहेगा, पीछे भी स्पेस है क्लाइंट पास, वहाँ पर आप अपना दरवाजा वगैरह टॉयलेट वगैरह बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से प्लान है, चलते हैं साइजेस की तरफ और आपको एक एक साइज हम क्लियर कराते हैं कि क्या साइज में क्या चीज कैसे रखा गया है। तो प्लान का विड्थ अगर देखें तो आप देख सकते हैं 54 फीट 7 इंच जो चौड़ाई रखी गई है इंटू 53 फीट 6 इंची आपका ये इस तरीके से प्लान का साइज रखा गया, 8 फीट 9 इंची। ठीक है, ये जो बरामदे का साइज रखा गया 8 फीट 9 इंची इंटू 54 फीट 7 इंची आपका इस तरीके से रखा गया है और ये आप देख सकते हैं 11 फीट हाफ इंची इंटू 13 फीट का आपका। ठीक है, थोड़ा बहुत साइज़ ऊपर नीचे हुआ है क्योंकि क्लाइंट ने जिस तरीके से दिया था वहाँ पे थोड़ा साइज़ में मैटर आया था तो आधा 1 इंची का डिफरेंस ज़्यादा ज़्यादा आया होगा। ठीक है, तो और ये 4 फीट 4 इंच इंटू 13 फीट का आपका ये वाला हिस्सा जो अटैच वाशरूम है यही सेम इधर भी रखा गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से 4 फीट 4 इंच इंटू 13 फीट का आपका सेम इधर भी रखा गया है और ये भी आपका 13 फीट इंटू 11 साढ़े 11 फीट का आपका इस तरीके से प्लान बनाया गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 20 फीट 1 इंची, ठीक है, 20 फीट 1 इंची इंटू 25 फीट 6 इंची आपका ये वाला हॉल एरिया आपको मिलेगा। सीढ़ी की बात करें तो ये आपका 6.5 फीट में आपका सीढ़ी इस तरीके से रहेगा और 10 फीट 1 इंची इंटू 8 फुट 7 इंची में आपका ये किचन रहेगा इस तरीके से। इधर भी बात करें पीछे वाले बेडरूम की 10 फीट 1 इंच टू 13 फीट का और ये पैसेज आपका 5 फीट का
इधर की बात की जाए, अगर यहाँ पे जो पीछे वाला बेडरूम है 10 फीट इंटू 13 फीट का आपका दूसरा बेडरूम, इस साइड की तरफ जो आपका बेडरूम है वो भी आपका इस तरीके से 10x13 का आपका रहेगा। ये वाला भी आपका 10x13 का आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। यहाँ पीछे की साइड अगर चलते हैं तो ये आपका जो किचन है 8 फीट 7 इंच इंटू 10 फीट का आपका ये वाला किचन भी आपका रहेगा इस तरीके से, और 13x10 फीट में आपका ये बेडरूम आपका इस तरीके से रहेगा। सीढ़ी भी वगैरह भी आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से प्लान है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नक्शा बनवाना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके नक्शा बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के, तब तक विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।